अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो न्यूरो के अंदर जो नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास वो एपिलेप्सी, और हम लोग इसको सीजर्स भी कहते हैं, किस तरह से वो भी हम डिस्कस करते हैं। सो सीजर्स और एपिलेप्सी का टॉपिक है, और इस टॉपिक के अंदर हमें क्या समझना है, हमें सबसे पहले अपने दिमाग में इसको क्लियर करना है कि एपिलेप्सी और सीजर में क्या फ़र्क है, ठीक है। नंबर टू ये कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, क्यों एपिलेप्टिक सीजर्स अराइज होते हैं, क्यों, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि उसके कॉजेज़ क्या हैं, उसके ट्रिगर्स क्या हैं, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, क्लिनिकली साइन सिम्टम्स क्या हैं, हम पेशेंट को किस तरह से इन्वेस्टिगेट करते हैं, किस तरह से ट्रीट करते हैं, और ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन यूज़ होती हैं उनकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज के टॉपिक में आपने सीखनी है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एपिलेप्सी से या सीजर से स्टार्ट कर लेते हैं। सो पहले हम समझेंगे कि सीजर क्या है। सीजर का मतलब होता है, जैसे बहुत ही आम अल्फाज में कहूँ तो, झटका पड़ना, ठीक है। और एपिलेप्सी में बार बार बहुत सारे जब कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिवली झटके पड़ते हैं तो उसको फिर हम लोग क्या कह देते हैं, एपिलेप्सी कह देते हैं। सो समझाती हूँ ये सारी चीज़। सो सीजर बेसिकली क्यों अराइज होता है, अगर हम लोग अपने ब्रेन की बात करेंगे तो वहाँ आपने याद रखना है कि जितने भी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं उसको बैलेंस करने के लिए उतने ही इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स भी होते हैं। जब भी ब्रेन के अंदर एक एक्साइटेटरी वेव इनिशिएट होती है तो फौरन उसका काम कंप्लीट होने तक एक इनहिबिटरी भी वेव आती है और वो उसको क्या कर देती है, बैलेंस आउट कर देती है। लेकिन ड्यू टू एनी रीज़न जब भी ब्रेन के अंदर एक्साइटेशन जो है वो क्या होगी, एक्सेसिव होगी, ज़रूरत से ज़्यादा एक्साइटेटरी वेव्स आएंगी तो बॉडी को झटका पड़ेगा, क्लियर। सो ये बहुत ही एक लेमेन टर्म है, मैं आपको समझा रही हूँ कि सीजर्स या झटके क्यों पड़ते हैं। जब भी हमारे ब्रेन के अंदर एक्सेसिव एक्साइटेटरी डिस्चार्ज होता है, जो एबनॉर्मल है, जो नॉर्मल नहीं है, पैरोक्सिस्मल होता है, उस टाइम हम कहते हैं झटका पड़ता है, उसको हम सीजर कहते हैं। सो सीजर की जो पैथोफिजियोलॉजी है वो ये है कि आपका जो एक्साइटेटरी और जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उसका जो बैलेंस है ना वो मेंटेन नहीं हो रहा। अब आपको थोड़ा बहुत पहले से आइडिया होगा कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन होते हैं, एसिटाइल कोलीन है, इसी तरह जो ग्लूटामेट है वो है, या फिर हमारे पास जो एस्पार्टेट है, और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की बात करेंगे तो गाबा है। सो ड्यू टू एनी रीज़न इफ़ गाबा के लेवल्स कम हैं या इनके लेवल ज़्यादा हैं, बैलेंस डिस्टॉर्ट होगा और पेशेंट में एक्सेसिव एक्साइटेटरी डिस्चार्ज की वजह से सीजर यानी झटका पड़ सकता है, ठीक है। अब ये तो एक सिंपल झटके की डेफिनेशन होगी, लेकिन अगर ये सीजर बार बार होगा, रिकरेंट होगा, अनप्रोवोक होगा, इसकी स्पेसिफिक अंडरलाइंग कॉज होगी, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, फिर हम उसको एपिलेप्सी कह देंगे। सो अगर ये सीजर्स जो हैं ये बार बार, एक दफ़ा तो हो गया तो वो सीजर है, लेकिन अगर ये सीजर्स जो हैं वो रिकरेंट हैं, अनप्रोवोक्ड हैं, और इनकी कोई अंडरलाइंग स्पेसिफिक कॉज मौजूद है, क्या कॉज है, मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं, अभी उसकी बात हम करेंगे, तो फिर हम उसको क्या कह देते हैं, एपिलेप्सी कहते हैं। सो एक दफ़ा झटका पड़ने को सीजर, और अगर वो बार बार हो रहा है, जैसे मिर्गी के झटके लगते हैं, जैसे आपने पेशेंट मिर्गी का देखा होगा कि दिन में दो तीन बार चार बार भी ऐसा हो सकता है, उसकी बॉडी झटका खाएगी, वो गिर जाएगा, आंखें उसकी रोल बैक हो जाएंगी, हाथ पाँव मुड़ जाएंगे, मिर्गी का पेशेंट आपने कभी देखा होगा, सो उसको हम क्या कहते हैं, एपिलेप्सी कहते हैं। सो ये एक बहुत ही आसान से लफ्ज़ों में इनकी पैथोफिजियोलॉजी है। सो पैथोफिजियोलॉजी यही है कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं वो कम, और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जब ज़्यादा होते हैं, बैलेंस जब डिस्टॉर्ट हो जाता है, तो फिर हमारे पास सीजर्स, एंड अगर ये सीजर्स बार बार होंगे तो एपिलेप्सी में कन्वर्ट हो सकता है। एक सिंगल सीजर का मतलब एपिलेप्सी नहीं है, लेकिन एक सिंगल सीजर के बाद हमें पेशेंट को इन्वेस्टिगेट ज़रूर करना चाहिए। एक सिंगल सीजर के बाद आपके पास जो रिकरेंट सीजर का चांस है वो अप टू 70% तक बढ़ जाता है। अब अगर हम कॉजेस की बात करेंगे कि ऐसा क्या होता है कि जो इस बैलेंस को ख़राब कर सकता है और सीजर्स एंड देन लेटर ऑन एपिलेप्सी भी कॉज कर सकता है, तो आपकी बुक में कॉजेस के लिए उन्होंने एक निमोनिक दिया हुआ है, VITAMIN वाइटामिन। इससे आप लोग जो है वो कॉजेस याद रख सकते हैं सीजर्स और सेम एपिलेप्सी के भी। सो वी का मतलब है कि कोई भी वेस्कुलर प्रॉब्लम है, जैसे कि वेसल्स के अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकता है, जो भी हमने पढ़ा कि स्ट्रोक हो सकता है या एट्रोवीनस मैलफॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। आई का मतलब है कि इन्फेक्शन हो सकते हैं, मेनिनजाइटिस, एनकेफलाइटिस, एब्सेसिस के केस में बहुत दफ़ा कहते हैं कि पेशेंट को सीजर्स हुए हैं, इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस मेनिनजाइटिस हो सकता है, एनकेफलाइटिस हो सकता है, एब्सेस हो सकती है, फीवर हो सकता है, ट्रोमा हो सकता है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये कॉजेज भी हैं और ये उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में भी आते हैं। टी का मतलब कोई भी ट्रोमा है, ए का मतलब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कर सकते हैं, एम इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि बच्चों के अंदर सीजर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स की वजह से भी देखे जाते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया फीवर के साथ होते हैं, फिब्राइल
हाइपोनेट्रीमिया या हाइपोक्सिया की वजह से इडियोपैथिक हो सकते हैं, या फिर हमारे पास जो है वो नियोप्लाज्म की वजह से भी अराइज़ हो सकते हैं, और कुछ जेनेटिक इशू भी हैं। सो वैस्कुलर कॉजेज़ हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, ट्रोमा हो सकता है, ऑटोइम्यूनिटी हो सकती है, मेटाबॉलिक इशू हो सकता है। उसके बाद हमने कहा कि इडियोपैथिक यानी हमें नहीं पता, नियोप्लाज्म या जेनेटिक रीजंस इसकी हो सकती हैं। अब बात यह है कि एक आध बार तो बहुत आवाम सुनागा में बच्चे को बुखार है, रात को इसको झटके लग रहे थे, काम पर था इसका जिस्म, इस तरह की चीज़ें। अब ये एपिलेप्सी के सीजर्स एक दो दफ़ा तो आते ही हैं, ठीक है, लेकिन फिर ये प्रोवोक कब होते हैं, इनके लिए ना स्पेसिफिक ट्रिगर्स हैं, ठीक है। एक पेशेंट को मैं जानती हूँ, पेशेंट नहीं, स्टूडेंट ही है, और उसको वैसे तो वो थ्रू आउट द ईयर ठीक रहता है, मेडिसिन के ऊपर है, लेकिन जब भी एग्ज़ाम्स आते हैं तो उस स्ट्रेस की वजह से उसको ज़रूर ड्यूरिंग एग्ज़ाम, एग्जामिनेशन हॉल में या सुबह उठते ही उसको सीजर्स या एपिलेप्सी का अटैक ज़रूर होता है, ठीक है। सो इसकी ट्रिगर्स क्या हैं कि कब ये एकदम से ज़्यादा हो जाएगा, स्पेशली जब बच्चे की स्लीप डिप्रिवेशन होगी या पेशेंट की, तो उन्हें कहते हैं इनकी नींद का खास ख्याल रखें, 8 से 10 घंटे की पुरसकून नींद इनके लिए ज़रूरी है, उसका पैटर्न भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। नंबर टू, स्पेशली अगर पेशेंट अल्कोहल ले रहा है, और अल्कोहल लेने से नहीं लेकिन अल्कोहल विड्रॉल के ऊपर सीजर्स जो हैं वो प्रोवोक होते हैं। इसी तरह जब उसको बहुत ज़्यादा फ्लिकरिंग लाइट्स का सामना करना पड़े, यानी कि मोबाइल की रोशनी है या कंप्यूटर बंद ऑन हो रहा है या शादी ब्याह की लाइटिंग है, तो उसमें भी ये चीज़ें स्टार्ट हो सकती हैं। अगर बार बार उसको क्या हो रहे हैं, इन्फेक्शन हो रहे हैं, उसके बाद भी ट्रिगर होते हैं लाउड नॉइसेस। अब इससे आप लोग एक चीज़ ये भी रिलेट कर सकते हैं कि बहुत सारे लोगों में आपने सुना होगा कि जी नहीं, हमारी बेटी या हमारी बहू या जो भी है ये ना शादी भी नहीं जा सकती, क्योंकि जब ढोल बजता है तो इसकी चीज़ हाजिर हो जाती है। वो चीज़ इस तरह से हाजिर हो जाती है कि ढोल बजता है और वो गिर जाती है, उसका जिस्म में झटके आते हैं, हाथ पांव मुड़ जाते हैं, आंखें रोल बैक हो जाती हैं, मुँह से झाग आती है। उनका ये सीन होता है कि नहीं भाई, इसको तो पीर साहब ने मना किया हुआ है, क्योंकि जब ये ढोल बजता है तो इसकी चीज़ हाजिर हो जाती है। वो बेसिकली इसकी चीज़ हाजिर नहीं होती, उसकी एपिलेप्सी है जो ट्रिगर होती है, और फिर वो अटैक आता है और वो सारे फीचर्स आते हैं। इसी तरह गानों में भी, इसी तरह फोतकियों पे भी जाना उनको मना होता है। खैर अपना अपने अकीदे की बात है, लेकिन मैं वैसे कह रही हूँ कि उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम अंडरलाइंग कॉज जो है वो, या रीज़न जो है, ये एपिलेप्सी सीजर और न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट होता है। और हॉट बाथ लेने से भी क्या हो सकता है कि ये चीज़ ट्रिगर कर सकती है। सो यहाँ तक मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सीजर कहते हैं एक्सेसिव अबनॉर्मल एक्साइटेटरी डिस्चार्ज को, एपिलेप्सी कहते हैं रिकरेंट सीजर को। इसके कॉजेज ये हो सकते हैं और उसके ट्रिगर ये हो सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि यही जो एपिलेप्सी है, इसको ना हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं एपिलेप्सी को स्पेसिफिकली। ये हमारा अगर ब्रेन है, और इसके अगर मैं यहाँ से मुझे इतना ड्रॉ नहीं करना आता, सेरिब्रल हेमिस्फीयर बना दूँ, तो अगर फोकली यहाँ पे बस एक्सेसिव डिस्चार्ज है और सिर्फ ये वाला एरिया इफेक्ट हो रहा है ना, तो इसको मैं कहूँगी पार्शियल सीजर या फोकल सीजर, क्योंकि इसमें सेरिब्रल हेमिस्फीयर का एक स्पेसिफिक एरिया इफेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर डिस्चार्ज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वो पूरे सेरिब्रल हेमिस्फीयर को अपनी लपेट में ले रहा है और पूरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट आएगा, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सीजर, ठीक है, जो कि दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर से एट अ टाइम अराइज होता है और पूरे ब्रेन पर फैला हुआ होता है। तो एपिलेप्सी को क्लासीफाई करते हैं दो टाइप्स में, कि पार्शियल सीजर होता है हमारे पास और कॉम्प्लेक्स सीजर होता है। पार्शियल सीजर को हम क्या भी कहते हैं, फोकल सीजर भी कहते हैं, क्योंकि ये वन स्पेसिफिक फोकाई से, वन स्पेसिफिक एरिया से क्या हो रहा होता है, अराइज हो रहा होता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स सीजर जो है वो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर से अराइज होता है और इसके फिर पूरी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। अब आगे आपने ये याद रखना है कि ये जो पार्शियल सीजर है, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। पार्शियल सीजर भी आगे से दो तरह का होता है, एक को हम कहते हैं सिंपल पार्शियल और एक को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स पार्शियल, ठीक है। अब ये क्लासिफिकेशन क्यों है, ये भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। देखो बेटे, जो एपिलेप्सी है ना, उसके फीचर्स की बेस के ऊपर ही हम इस क्लासिफिकेशन को समझ पाते हैं। अब वैसे ओवरऑल आपको क्या लगता है कि जब एपिलेप्सी का एक अटैक आता है, ठीक है, तो मैं आपको ब्रॉडली बताती हूँ कि जैसे अगर मैं कहूँ कि कॉम्प्लेक्स सीजर है, यानी उसके जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं वो इन्वॉल्व हो गए हैं, तो होता ये है कि पेशेंट को ना एक अपने दिमाग में बना लें, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, यानी वो बिल्कुल भूल जाता है कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है। फिर लॉस ऑफ पोस्चरल टोन भी होती है, ठीक है, यानी मैं अगर ये बता रही हूँ ना कि वो पेशेंट बैठा हुआ होगा, उसकी उसने ऊंची आवाज़ सुनी, वही सारा समझे जो कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि जी फलां को चीज़ हाजिर हुई थी, तो ये हुआ था, क्या हुआ था उसके साथ, जो एकदम से अपने होश खो बैठा, वो नीचे गिर गया, उसके हाथ पांव मुड़ गए, और हाथ पांव मुड़ने के बाद उसकी आंखें पीछे चली गई, उसके मुंह से झाग आना शुरू हो गई, वो अपने लिप्स को काट रहा था, अपनी आंखों को ब्लिंक कर रहा था, फिर हमने देखा कि उसका छोटा पेशाब और यूरिन और फीसेस जो हैं वो भी निकल गई, और उसके बाद फिर वो उसका झटका रुका और वह सब हमें सकते में देख रहा था कि क्या हो रहा है ना, उसको कुछ याद नहीं था मेरे साथ क्या हुआ है,
वो बहुत कंफ्यूज था और वो सोना चाहता था और वो सो गया। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पूरी एपिलेप्सी को डिफाइन करती हैं, ठीक है। मैं आपको क्लासिफिकेशन के बारे में बताती हूँ, लेकिन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, लॉस ऑफ पोस्चरल टोन होती है और वो कोलैप्स कर जाता है ऑन द ग्राउंड यानी गिर जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर टॉनिक क्लॉनिक फेसेस डिपेंडिंग अपॉन के कौन सी टाइप है आनी है, और उसके बाद उसकी जो वही है कि स्मैक करेगा अपने लिप्स को और आईज की ब्लिंकिंग करेगा, ठीक है। इनकॉन्टिनेंस होगी, यूरिनरी एंड फीकल इनकॉन्टिनेंस, एंड देन पोस्टिक्टल स्टेज आती है कि जिसमें वो बहुत कन्फ्यूज है और वो सोना चाहता है। ये एक एपिलेप्सी की ब्रॉडली जो वो है सिम्टम्स हैं वो हो सकते हैं। अब कौन से सिम्टम हैं और कौन से सिम्टम नहीं है, इस बेस पे बेसिकली क्लासिफिकेशन हुई हुई है। यानी मैंने आपको ये कहा कि हमारे पास एक क्या सीजर्स होते हैं, पार्शियल सीजर होते हैं। पार्शियल सीजर का मतलब कि वो क्या होते हैं, फोकल सीजर होते हैं। फोकल सीजर का मतलब ये है कि वो ब्रेन के एक स्पेसिफिक एरिया से अराइज हो रहे होते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के एक स्पेसिफिक एरिया से। अब इस पार्शियल को भी हमने क्या किया हुआ है, दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। हम कहते हैं जी सिंपल पार्शियल होता है, और नंबर टू हम क्या कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स पार्शियल होता है, ठीक है बेटे। सिंपल पार्शियल में आपने ये याद रखना है कि जो पेशेंट है, अगर हम देखें कॉन्शियसनेस की बात करेंगे तो उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो अल्टर नहीं होती, और उसकी जो बॉडी की टोन है वो भी अल्टर नहीं होती। ना तो वो अपने होशो हवास खोएगा, ना ही वो बैठे बैठे गिरेगा या खड़े खड़े गिरेगा, ठीक है। ये उस तरह का सीजर है कि एकदम आएगा, उसकी बॉडी की एक साइड में एक मसल में उसको थोड़ी सी कमजोरी वीकनेस फील होगी, थोड़ा सा ऐसे साइड में भी हो, एंड देन सब नॉर्मल, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सिंपल पार्शियल। तो सिंपल पार्शियल में क्या होना है कि कोई कॉन्शियसनेस अल्टर नहीं होनी, कोई टोन लॉस नहीं होनी, कोई ऑटोमेटिज्म नहीं होनी। ऑटोमेटिज्म का मतलब ये है कि आई को ब्लिंक करना, अपने लिप्स को काटना, जुबान को काटना, स्मैक करना, वो भी इसके अंदर नहीं होती है। ना ही इसके अंदर जो पोस्ट इक्टल स्टेज है ना वो है कि यानी झटका लगने के बाद वो कंफ्यूज है और सोना चाहता है, उसको सर का दर्द है, ऐसा कुछ भी इसको नहीं होता, ठीक है। इसको हम कहते हैं सिंपल पार्शियल सीजर। और सिंपल पार्शियल सीजर में सिर्फ होता क्या है कि कोई मोटर सेंसरी या बोथ फीचर्स सिम्टम्स आ सकते हैं। अब क्या सिम्टम्स हैं, इसकी दो एग्जांपल्स उसने बताई हुई हैं। एक जैक्सोनियन सीजर होता है जिसमें उसकी माउथ की एक साइड पे जर्किंग होगी, या हाथ में जर्किंग होगी, या पूरी बॉडी में एक साइड पे हो सकती है, लेकिन सिर्फ ऐसे जर्किंग होगी और बात ख़त्म हो जाएगी। कोई वो गिरा नहीं, होश हवास नहीं खोए, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको सिंपल पार्शियल कहा जाता है, ठीक है। सो इसके अंदर एक हमारे पास जैक्सोनियन सीजर आता है और एक टॉट्स पॉल्सी आती है कि जिस जगह पे ऐसे झटका पड़ा थोड़ी देर के लिए वो मसल वीक लगेगा लेकिन फिर वो ठीक हो जाएगा। सो दिस इज योर सिंपल पार्शियल। आई होप कि अब इसको थोड़ा सा बेहतर कर दिया है कि सिंपल पार्शियल में कुछ भी मसला इतना ज़्यादा नहीं होता। अब जो कॉम्प्लेक्स पार्शियल है इसमें भी है यही कि ये बॉडी की एक स्पेसिफिक जगह से है लेकिन ये थोड़ा सा सिवियर होता है और इसमें जो कॉन्शियसनेस है वो अल्टर होती है। पेशेंट थोड़ी देर के लिए कहीं खो जाता है, बात करते करते हो सकता है उसको झटका आए, उसको खो जाए और फिर दो मिनट के बाद कहे ओ यार क्या बात कर रहे थे, मुझे याद नहीं, ठीक है। वो थोड़ी देर के लिए उसकी कॉन्शियसनेस अल्टर होती है लेकिन उसकी टोन जो है वो अल्टर नहीं होती, यानी वो गिरेगा नहीं। सीट पे बैठा हुआ है वो बैठा रहेगा, थोड़ी देर के लिए कहीं खो जाएगा, उसको झटका भी आएगा, एंड देन वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिज्म भी इसके अंदर होती है, यानी वो अपने लिप्स को और उसको जो है वो स्मैक करता है, ब्लिंक करता है। पोस्ट एक्टल कन्फ्यूजन भी यहाँ पे होती है, ठीक है। और उसके बाद ये ज़्यादातर टेम्पोरल लोब को इन्वॉल्व करते हैं। फीलिंग ऑफ अनरियलिटी या अनड्यू फेमिलैरिटी पेशेंट को हो सकती है। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है कि होते कि एक स्पेसिफिक एरिया से दोनों राइज होते हैं लेकिन इसमें जो है ना कॉन्शियसनेस ऑल्टर है, ना टोन है, कुछ भी नहीं है, ना पोस्ट एक्टर, लेकिन यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हैं। अब दूसरी तरफ बेटे हमारे पास आ जाता है कॉम्प्लेक्स वाला। अब कॉम्प्लेक्स में ये सारे फीचर्स आएंगे, ठीक है। सो इसमें मैंने आपको कहा ना टोन जाएगी ना कॉन्शियसनेस। यहाँ कॉन्शियसनेस तो जाएगी लेकिन टोन मेंटेन है। यहाँ कॉन्शियसनेस भी गई, टोन भी गई, होश आवाज भी खो दिए, गिर भी गया, इनकॉन्टिनेंस भी है, पोस्ट एक्टर भी, ऑटोमेटिज्म भी है, सब कुछ है, ठीक है। सो ये जो कॉम्प्लेक्स सीजर्स हैं इसके भी मल्टीपल्स टाइप्स हैं लेकिन दो के ऊपर मेन फोकस किया जाता है। उन दो को देख लेते हैं। एक है जिसको हम कहते हैं जनरलाइज्ड ट॔निक क्लॉनिक सीजर, या जिसको हम ग्रैंड मॉल एपिलेप्सी भी कहते हैं। सबसे ज्यादा कॉमन भी यही है और उसमें वो सब होता है जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। ये वाला ऐसा सीजर है कि जिसमें आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो भी ऑल्टर होगी, ठीक है। उसके बाद जो पोस्चरल टोन है वो भी ही जो है लॉस हो जाती है, पेशेंट गिर जाता है, पेशेंट के हाथ पांव मुड़ जाते हैं। इसके अंदर दो फेस आती हैं, इसको टॉनिक क्लॉनिक इसलिए कहते हैं कि एकदम उसकी बॉडी बहुत रिजिड हो जाती है, ठीक है। पोस्चरल टोन खत्म, साइनोसिस होगी, आंखें पीछे चली जाएंगी, वो बिल्कुल उसकी जो होंठ हैं वो नीले पड़ जाएंगे। फिर एकदम उसकी बॉडी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिलैक्स करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिलैक्स करेगी। वो पेशेंट उठ के भागना चाहेगा, सारे उसको रोक रहे होंगे, पकड़े होंगे,
टंग बाइट करेगा, यूरिनरी फिकल इनकॉन्टिनेंस हो जाएगी। मैंने कुछ लोग देखे हुए भी ऐसे हैं जिनका अकीदा होता है कि इनको कोई जिन पड़ गया, और वो सारे सिनेरियो यही हो रहा होता है कि एकदम से बस वो पागल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, देन जिस्म सख्त होता है, फिर रिलैक्स, फिर सख्त।